मेरा नाम शुभम शर्मा है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में हम लोग 83 कर्मचारी हैं, जिन लोगों को हम लोगों को 26 तारीख को आदेशित करके निकाल दिया गया है बिना किसी कारण के। और कोरोना काल में जैसे कि जानते हैं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने बोला है कि हम किसी को बेघर नहीं करेंगे, किसी की नौकरी नहीं छीनेंगे, उसके अगेंस्ट जाके, उसके विरुद्ध जाके इन लोगों ने, प्रशासन के विरुद्ध जाके कार्रवाई की है। और हमारी मांगें यही हैं कि हमारी नौकरी वापस की जाए। हम लोग सड़कों पर आ गए, हमारी पर्यटन मंत्री जो कि उषा ठाकुर जी हैं, जिनके संज्ञान में ये चीज़ जा चुकी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दिया है। कितने लोग हैं आप? हम लोग 83 लोग हैं। क्यों निकाला, कारण क्या दे रहे हैं? कारण ये दे रहे हैं, होटल में पैसा नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जिस सारे विभागों में ये चीज़ है कि मोदी जी फंड मुहैया करा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, सीएम में, और सरकार भी केंद्र में और राज्य में बीजेपी की है। तो हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी नौकरी वापस करें, हमारा परिवार सड़कों पर आ गया, बेघर हो गए, हम लोग खाने पीने के लाले पड़ गए। तो हम बस यही उनसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, और हम यही यूँ ही आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हमारी नौकरी वापस नहीं करेंगे। 12-15 साल से सर हम लोग लगे निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम लोग अपनी यहाँ पे मांग रखने आए कि हमें नौकरी पे वापस लिया जाए, और हम लोग दम से लड़ेंगे, आगे होके लड़ेंगे, हम पीछे नहीं है। हमारा निवेदन बहुत, हम निवेदन कर चुके हैं, लेकिन हम इस निवेदन से हमें कोई फल नहीं मिला है। इसके विपरीत जाते हुए हम लोग ये आंदोलन गांधीवादी तरीके से, गुलाब का फूल लिए हुए हैं हम लोग, सारे अधिकारी कर्मचारियों को और हमारे जो साहब लोग हैं, सब लोगों को हम देना चाहते हैं कि सर हम लोगों ने इतने साल से जो सेवाएं दी हैं आपको, इस निगम को इतना ऊंचा उठाया है, तो हम यही चाहते हैं कि आप हमारी नौकरी वापस करें। हमने इसलिए इतनी सेवाएं नहीं दी थी, हम लोगों को 12 से 15 साल नौकरी हो चुके हैं, तो हम लोग यही चाहते हैं कि जब इतनी सेवा हम दे चुके हैं, हम लोग इतने कष्ट में, आज जब डिपार्टमेंट कष्ट में था तब हम लोगों ने सहयोग किया, आज हम कष्ट में, डिपार्टमेंट ने हमको घर से बाहर कर दिया परिवार।